बस 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 भैया 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 पक्षी लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। तो कल से हमने बैलगाड़ी की यात्रा यौनी कुछी से प्रारंभ की है और 5 दिन की संकल्प यात्रा हमारी विधानसभा में गांव-गांव जाकर खलियान में खेत में जाकर किसानों को अपन समझाएंगे कि वास्तव में ये किसान के हित में, किसान आज आजाद हुआ है। देश स्वतंत्र हुआ था 70 साल पहले, लेकिन किसान आज आजाद हुआ है। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले और बैलगाड़ी से विधानसभा जाने वाले विधायक ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है और आज भी विधायक उसी बैलगाड़ी से गांव-गांव जाकर लोगों को शासन की योजनाएं भी पहुंचा रहे हैं। दरअसल झांसी के गरोठा में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर गरोठा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी पर सवार होकर जागरूकता यात्रा पर निकले। वह बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों से संवाद कर उन्हें नए कानून की बारीकियां और उनसे होने वाले फायदे की जानकारी दे रहे हैं। विधायक की यह बैलगाड़ी यात्रा 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाली बैलगाड़ी यात्रा से किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया। जमीन का सौदा नहीं होगा, आपकी खेती का होगा कि हमें इसमें 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक साल में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में दीजिए। आप सोचो कि आपकी खेती ले ले, खेती आपकी कोई नहीं छीन सकता, आपका जैसा पहले अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला किया है, हम समझते 70 साल बाद आजादी के बाद भैया किसान को आजादी मिली है, तो 70 साल बाद 2020 में जो केंद्र में ये किसान बिल लाए वो एक इतिहास है। उसके बारे में अपन बता रहे हैं कि इससे किसान एक आजाद हुआ है। किसान अपनी उपज को चाहे कुरसाय की मंडी, चाहे झांसी की मंडी, या मध्य प्रदेश की मंडी, या हरियाणा पंजाब की, जहाँ उसे अच्छा लगे वहाँ जाकर बेच सकता है। आज किसान स्वतंत्र हुआ है, अन्यथा पहले किसान बिचौलियों के माध्यम से उसे शोषण होता था, उत्पीड़न होता था। क्योंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के पक्ष में जो किसान बिल लाकर 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और चूंकि किसान को एक आज़ाद किया है, और ये किसान को हकीकत इसकी बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसको मिले, क्योंकि जो विपक्षी लोग हैं वो भ्रम फैला रहे। तो कल से हमने बैलगाड़ी की यात्रा यौनी पुछी से प्रारंभ की है और 5 दिन की संकल्प यात्रा हमारी विधानसभा में गांव-गांव जाकर खलियान में खेत में जाकर किसानों को अपन समझाएंगे कि वास्तव में ये किसान के हित में, किसान आज आज़ाद हुआ है। देश स्वतंत्र हुआ था 70 साल पहले, लेकिन किसान आज आज़ाद हुआ है। किसान के पक्ष में, चूँकि किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, और जहाँ अगर उसे पसंद आए उस मंडी में जाकर बेचे, जहाँ उसे मूल्य सबसे ज़्यादा मिले वो जाकर बेच सकता है। तो ये पहली बार ऐसा किया। बाकी दूसरा मंडी का स्वरूप जो बताया जा रहा है, मंडी जहाँ के तहाँ रहेंगी, किसान की जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में बताया जा रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट खेती, उसकी जो उपज का है वो किसी कोई व्यवसायिक उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जमीन से सौदा नहीं होगा, किसान की उपज से सौदा हो सकता है। तो जो किसान के हित में होगा वही काम हो सकता है। बाकी अगर व्यापारी, अगर व्यवसायी कोई किसान के गलत अगर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके खिलाफ तो अदालत और सरकार के पास किसान जा सकता है, लेकिन व्यापारी को नहीं है ये अधिकार। तो ये किसान के पक्ष में बहुत बड़ा निर्णय है। किसान आज जहाँ चाहे अपनी उपज का, चाहे गुरसराय मंडी में, चाहे झांसी की मंडी में, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे हरियाणा पंजाब, चाहे उसे अच्छा लगे वहाँ बेच सकता है। जो बिचौलियों के माध्यम से बिकता था वो कम से कम उन्होंने खत्म कर दिया है और किसान को एक आज़ाद कर दिया है। और इस बात को लेकर गाँव गाँव खलिहान अपन खेत खेत पर जाकर
किसानों को समझा रहा है कि वास्तव में ये एक एनआरसी के माध्यम एनआरसी का जो बिल लाने का प्रयास भाजपा ने किया था और ये विपक्षी लोगों ने इसको केवल कुचक रचकर जिस तरह षड्यंत्र रचकर ये काम किया था वो हकीकत अपन किसान बिल की बातें बता रहे हैं। समस्त क्षेत्र वासियों को नवदुर्गा दशहरा दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 3 भरोसा से आपकी अपने जनप्रिय कर्मठ लगनशील एवं ईमानदार युवा प्रत्याशी संजीव राजपूत भरोसा को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग देकर सफल बनाएं।